करने को अब तैयार है राहुल गांधी। खुद बताया कैसी दुल्हन की है तलाश। भाग मिल्खा भाग की तरह भारत की पैदल यात्रा के बाद रचाएंगे ब्याह। कांग्रेसी सुनकर ही खुश हुए। पांच सबसे बड़े सवालों का खुद राहुल ने दिया जवाब। पप्पू कहने की बात पर किया शानदार पलटवार। राहुल गांधी जिस मीडिया कवरेज और माहौल की तलाश में थे वो शायद अब बनता दिख रहा है। लोग राहुल को लेकर बातें करना शुरू कर चुके हैं और मीडिया में भी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाएं खूब हैं। खैर, इस सबसे दूर एक सवाल जो सलमान खान के बाद किसी के लिए सबसे ज्यादा पूछा गया वो राहुल गांधी ही थे। सही समझे आप, शादी के सवाल पर अब तक चुप्पी साधे राहुल ने आखिरकार अपना जवाब दे दिया है। शादी के सवाल पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया है। अपनी दादी इंदिरा गांधी और माँ सोनिया के बारे में भी उन्होंने कई राज से पर्दा उठाया। राहुल ने पांच ऐसे सबसे बड़े सवालों का साफ साफ जवाब दिया जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शादी से शुरू करते हुए आपको चार और बड़े सवालों का जवाब बताते हैं जो आप जानना चाहते होंगे। ऐसी लड़की से शादी करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी की सपनों की राजकुमारी कैसी होगी? इस सवाल को राहुल से पूछा है यूट्यूब चैनल म्यूशेबल इंडिया ने। क्या ऐसी ही महिला से शादी करना चाहते हैं जिसमें आपकी दादी जैसे गुण हों? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हों, वो अच्छा रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के लिए रोड पर चलते हुए दिए इंटरव्यू में राहुल ने साफ साफ कहा कि उन्हें दादी और माँ के गुणों से जुड़ने वाली लड़की ही पसंद आएगी। इंटरव्यू का वीडियो मंगलवार को जब यूट्यूब पर आया तभी से लगातार वायरल हो रहा है। पप्पू कहने पर चिढ़ते नहीं राहुल, विरोधियों को दिखाया आईना। राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू प्रोपोगेंडा एक कैंपेन है, ये विरोधियों के दिल की बात है। इस दौरान जब सवाल किया गया कि आपसे जब कोई पप्पू बोलता है तो क्या कभी दिल पर नहीं लगते, उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोपोगेंडा कैंपेन है, यह उनके यानी विरोधियों के दिलों की बात है। राहुल गांधी ने कहा ये उन लोगों के भीतर का डर है जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। दादी इंदिरा गांधी को राहुल ने गूंगी गुड़िया कह दिया क्या? देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर जब सवाल किया गया कि आपकी दादी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा गया था। जो लोग मुझ पर 24 घंटे हमले करते हैं उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया तक कहा था। फिर बाद में वही महिला आयरन लेडी बन गई। वो हमेशा से ही आयरन लेडी थी, लेकिन विरोधियों को तो प्रोपोगेंडा चाहिए था। साइकिल चलाना राहुल को सबसे पसंद, खुद बताया सच। साइकिलिंग के इंटरेस्ट के सवाल पर राहुल गांधी ने कह दिया हाँ, मैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स या तपस्या जरूर करता रहता हूँ। मेरे पिता एक पायलट थे, मैंने उन्हीं से सीखा है। ये प्लेन उड़ाना आपके एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग है। मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तुम प्लेन उड़ाना, प्लेन तुम्हें उड़ाए ऐसा मत होने देना। मायने ये थे कि आप यानी एक पायलट हमेशा प्लेन के आगे रहता है। पायलट 30,000 फीट की ऊंचाई से चीजों को देखता है। जो आप उस ऊंचाई से देखते हैं वे आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगा। पायलट हमेशा ऊपर से देखता है, आप देख पाते हैं कि समस्याएं कहाँ हैं। मीडिया के कैंपेन पर भी राहुल के मन में गुस्सा। 2010 में ट्रेन से यात्रा के बारे में जब सवाल किया गया कि क्या आपका ये मोटिवेशन था, इस पर उन्होंने कहा कि 2010 से नहीं, मैं तो हमेशा से यात्राएं करता हूँ। कुछ राजनीतिक कारणों से प्रेस मुझे पता नहीं क्यों निशाना बनाता है। जो मैं शुरू से करता हूँ उसमें अवरोध खड़ा करता है। जो भी मैं करता हूँ उसके लिए कुछ चुनिंदा पहलू ही प्रेस में दिखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक अप्रवासी मजदूर होना क्या होता है। मैं थर्ड क्लास में बैठा, उसमें किसी गोरखपुर से आए पेंटर से बात की, जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे समझना चाहता हूँ। कार, बाइक और लैंड क्रूजर होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वास्तव में मैं किसी कार का मालिक नहीं हूँ, मेरी माँ की कार है और उसे ही मैं चलाता हूँ। मैं कार में इंटरेस्ट भी नहीं लेता, हाँ ड्राइविंग में मेरा इंटरेस्ट है। मेरे पास मोटर बाइक है, मैं मोटर बाइक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर उसे चलाना मुझे पसंद है। आप मुझसे कार इंजन के बारे में बात करिए, मैं 90% बातें आपको सही तौर पर बता सकता हूँ। तो राहुल गांधी का ये इंटरव्यू इस वक्त चर्चाओं में है। उन्होंने ऐसे सवालों पर इस बार बेबाकी से बात की है जो अभी तक अछूते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।